बीजेपी विधायक रामलल्लू बैस ने कन्या महाविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि उन्होंने सिंगरौली के विकास का बीड़ा उठाया है और अब तेज गति से विकास कार्यों को किया जाएगा। सिंगरौली जिले के मोरवा पिड़ताली कुशवई में शासकीय कन्या महाविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस ने किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, पूर्व जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता सहित शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्राएं मौजूद रहे। विधायक रामलल्लू ने बताया कि शासकीय कन्या महाविद्यालय की बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, इसीलिए नया भवन बनाया गया है। उन्होंने कहा, लगातार विकास कार्यों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में कई ऐसे विकास कार्य किए जाएंगे। प्रदेश की शिवराज सरकार विकास कार्यों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश के अवसर पर हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते आज मुझे गर्व की अनुभूति महसूस हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मध्य प्रदेश की सरकार, जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में संचालित हो रही है, आज सर्व सुविधा युक्त इस महाविद्यालय परिसर में आने के बाद यह लगता है कि हमारे शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।